सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अलार्म से इंसान नहीं जागता, उसकी जिम्मेदारियां उसे जगाती हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। आज का पंचांग 25 जून 2022 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:24 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:08 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:02 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 25 जून 2022 दिन शनिवार, आप आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उसके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें, इससे आपको और लोगों की मन स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। परिवार की यात्रा में अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहें। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी किसी समस्या का समाधान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। भूमि भवन में निवेश संबंधित कोई योजना बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करें, क्योंकि यह निवेश आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। लक्ष्य बड़ा होने की वजह से आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, पहले अपनी काबिलियत पर विश्वास करें, तभी आपके द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे। लोगों से प्राप्त हुई टिप्पणी की वजह से खुद के लिए नकारात्मक ना सोचें। अभी के समय में भावनात्मक स्वरूप से कमजोरी महसूस होने लगेगी। काम की जगह आ रहे बदलाव की वजह से तनाव कम होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप संबंधित निर्णय लेते समय अपनी और परिवार की लोगों के अपेक्षाओं का ध्यान रखें। लो बीपी की समस्या भी हो सकती है। सावधानियां, किसी भी विपरीत परिस्थिति में मनोबल गिर सकता है। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों के साथ भी समय व्यतीत करें। दूसरों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना संबंधों को मजबूत बनाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु बच्चों का सहयोगात्मक रवैया घर के वातावरण को उचित बनाकर रखेगा। आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता के चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए, बहुत मजा आएगा। घुड़सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नजारों का आनंद लेना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुड़सवार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। व्यापारिक लोग रिटेल की अपेक्षा होलसेल के कार्यों में ज्यादा डील करें तथा इस समय कोई भी लेन देन पक्के बिल से ही करें, क्योंकि किसी प्रकार के धोखा या गलतफहमी होने की आशंका है। बात करते हैं सेहत की। कुछ समय अपने आराम और सुकून के लिए जरूर निकालें। अच्छा, आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकते हैं।
आपको आज दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपसे किसी और को भी स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। केवल दिन के अंत में अपनी मनपसंद गतिविधि के साथ मनोरंजन करना ना भूलें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को उड़द की दाल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।